दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हाल में देश में दो बड़ी घटनाएं चल रही हैं। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काफी लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, निमंत्रित किया जा रहा है 22 जनवरी के लिए। उसकी दूसरी तरफ मणिपुर से मुंबई की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसकी शुरुआत 14 जनवरी से राहुल गांधी ने की है। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर के सवाल के बारे में कई शंकराचार्यों ने उसमें आने से मना कर दिया है। चार शंकराचार्यों ने मना कर दिया है, एक पांचवें शंकराचार्य को इनवाइट ही नहीं किया गया था। और ये चार शंकराचार्य ने जो मना किया है, उसका आधार ये है कि प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में तभी की जा सकती है जब मंदिर बन चुका हो। उनका उनके मतानुसार मंदिर तो अभी बना नहीं है, और उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा तो किसी महंत द्वारा, धर्म गुरु द्वारा होना चाहिए, जबकि यहाँ जो यजमान बने हैं वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ दूसरे बड़े पदाधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो उनका पहला विरोध तो ये है, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं होगा। दूसरी तरफ कई लोगों ने इस बात का भी ध्यान दिलाया है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें यजमान बने हैं, और हिंदू परंपरा के अनुसार यजमान तभी कोई कार्यक्रम कर सकता है जब उसके साथ उसकी पत्नी हो। अब ये एक दूसरा कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है। तीसरी बात जो लाई गई कि राम मंदिर को बनाने के पहले ये कहा गया था, मंदिर वही बनाएंगे जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। उनके मतानुसार वो जन्म वही हुआ था जो मंदिर मस्जिद का डोम था, उसके नीचे जहाँ राम लल्ला की मूर्तियाँ रखी गई थी। पर अब जो मंदिर बना है जहाँ भगवान राम की मूर्ति को रखा गया है, वो तो उससे 3 किलोमीटर दूर है, तो फिर इतना पूरा बखेड़ा क्यों किया गया मस्जिद को तोड़ने का, ये भी सवाल है। अब इसी के साथ साथ कई लोग बड़े आक्रामक तरीके से लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए और इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए। पीले रंग का चावल अक्षत के नाम से घर घर बांटा जा रहा है, और पूरी तैयारियां की जा रही हैं कि इस दिन लोग आए। अब कई धार्मिक विद्वानों का मत है कि ये कोई मुहूर्त नहीं है, ये महीने का मुहूर्त कोई अच्छे काम करने का नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं है। अब इन सबके बीच में RSS और BJP इस बात पर दृढ़ है कि उनको ये कार्यक्रम अभी करना है, क्योंकि उनके दिमाग में जो है वो है आने वाले चुनाव के लिए हिंदू समाज को वो एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हिंदुत्व एजेंडा था आर्टिकल 370 को निकालना, वो उन्होंने पूरा कर दिया। फिर भगवान राम के मंदिर की स्थापना बनाना, वो उन्होंने पूरा कर दिया। UCC के ऊपर अभी वो चुप हैं, क्योंकि आदिवासी और सिखों ने उसका विरोध किया। तो मोटे तौर से वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व एजेंडा लागू किया है और हिंदुओं के एक बड़े तबके को इस ओर लुभाना चाहते हैं। यहाँ तक कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, इन्होंने इस न्योते को अस्वीकार किया है। उनकी भी मान्यता यही है कि अभी देश के सामने बहुत बड़े सवाल हैं, और ये भगवान राम के मुद्दे को धार्मिक रहने दिया जाए तो अच्छा है। इसको राजनीति का रंग जो BJP RSS दे रहे हैं वो एक गलत है, वो धर्म का राजनीति में इस्तेमाल है। इस आधार पर कांग्रेस, समाजवादी और तृणमूल पार्टी ने इनके आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। तो ऐसे मौके पर वो इनकी काफ़ी आलोचना कर रहे हैं कि आप भगवान राम का दुर्लक्ष कर रहे हैं, जबकि भगवान राम का दुर्लक्ष करने का कोई सवाल नहीं। सवाल है, भगवान राम लोगों के मन में वास करते हैं, भगवान राम की याद जो मंदिर का दर्शन है वो कभी भी किया जा सकता है, केवल 22 जनवरी को ही, क्योंकि वो BJP की राजनीतिक योजना का भाग है, उसी दिन किया जाए, ये क्यों हो, इस प्रकार की बात है। एक और शंकराचार्य ने और भी गहरे आरोप लगाए हैं, और उन्होंने भी इस प्रकार की बातों को कहकर कहा है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं वो सनातन हिंदू धर्म के विरोध में चल रही हैं, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया नहीं गया और उन्होंने जाने से भी इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि मणिपुर से 14 जनवरी को
राहुल गांधी की, कांग्रेस की दूसरी पार्टियां जिसमें जुड़ रही हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है। अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पिछली वाली जो भारत जोड़ो यात्रा थी एक साल पहले, उसने एक संदेश दिया था देश में कि आज देश में जो धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है उसके खिलाफ हम भारत जोड़ो का अभियान लेकर चल रहे हैं। उस यात्रा ने ये भी संदेश दिया था कि हमारे असली मुद्दे मंदिर मस्जिद से जुड़े नहीं हैं, हमारे असली मुद्दे नौजवानों की बेरोजगारी, महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई गरीबी, इसके खिलाफ है। तो ये यात्रा जो हुई करीब एक साल पहले वो काफ़ी सफल रही और उसने देश के वातावरण को एकदम बदल दिया। जो वातावरण निराशापूर्ण था, जिसमें लोग डर रहे थे, जिसमें लोगों को अलग अलग प्रकार से भय सता रहे थे, उसमें एक आवाज़, ज्ञान की, सही बातों की आवाज़ निकली, इसलिए लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और बड़ी बड़ी मात्रा में इस यात्रा का स्वागत किया। और उस यात्रा का जो स्वागत हुआ, उस यात्रा से देश का माहौल, देश का वातावरण बदल गया और जो वातावरण पहले नफरत का था उसके बदले राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान, इस प्रकार का एक नारा दिया जो एक बहुत महत्वपूर्ण नारा है, जो आज के समय में जहां नफरत राजनीति का एक बड़ा भाग बन गया है और नफरत के आधार पर ही हिंसा करवाई जाती है, उस समय इस प्रकार की बात करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश समाज के लिए हो गया। अब उसके बाद अभी जो 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक मणिपुर से मुंबई यात्रा निकाली जा रही है, उसका मैं देख रहा था दो दिन पहले, तो लोगों ने, मणिपुर के लोगों ने बहुत प्रतिसाद दिया। मणिपुर में पिछले करीब 7 महीने से हिंसा जारी है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर बार हो गए हैं और वहाँ एक प्रकार से कुकी और मैती, ये समुदायों के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी की गई है और इसके बीच में वहाँ जो स्थानीय भाजपा सरकार है, केंद्र में जो भाजपा सरकार है, डबल इंजन सरकार है, उसके बावजूद 6-7 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है जो पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। और इस माहौल में राहुल गांधी ने भी इसको रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री दुनिया भर के काम कर रहे हैं पर मणिपुर आकर लोगों के आंसू पोंछने का काम, लोगों से गले मिलने का काम, हाथ पकड़ने का काम और प्रशासन के माध्यम से हिंसा को कंट्रोल करने का काम, इसके लिए उन्हें वक्त नहीं मिला। खैर, ये मणिपुर की बात है और मणिपुर के साथ साथ उन्होंने इस न्याय यात्रा में मुख्य जो जोर रखा है वो है न्याय न्याय। आज नवयुवक जो बेरोजगार हैं उनके प्रति अन्याय हो रहा है, महिलाएं उन पर जो अत्याचार हो रहा है, लैंगिक अत्याचार हो रहा है, वो एक अन्याय है। किसानों की जो उपज का वादा किया गया था, जो MSP उनको वादा किया गया था वो उनको नहीं मिल रहा, ये अन्याय है। दलित, OBC, पिछड़े वर्ग, उनकी जनसंख्या गणना नहीं कराई जा रही और उसके आधार पे उनको समाज में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, ये भी एक अन्याय है। तो इस यात्रा का जो फोकस है वो है न्याय। जैसा हम जानते हैं भारतीय संविधान के मुख्य मूल्यों में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, ये मूल्य है। पर जब धर्म के नाम की राजनीति आती है तो उसका एजेंडा कुछ अलग होता है, वो समाज के कुछ सभ्रांत धनी तबकों के लिए काम करती है और उसके चलते जो आम लोग हैं उनके अधिकार, उनके नागरिक अधिकार, उनकी समस्याओं को दुर्लक्ष किया जाता है। इसी के साथ साथ महंगाई बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, इसी के साथ साथ आम लोगों का जीना बहुत दुभर हो गया। सरकारी प्रोपेगेंडा बताता है कि देश में काफ़ी प्रगति हुई है और 5 किलो अनाज का राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, ये कोई एक उचित बात नहीं है, ये एक शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोगों को इस प्रकार के 5 किलो राशन पर आधारित रहना पड़ रहा है। तो आज जो परिस्थिति है उसमें मुख्य बात धर्म की नहीं होना चाहिए, धर्म हमारी आस्था का विषय है, हमारा निजी मामला है। राजनीति के जो सवाल हैं वो हमारे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, इस पर आधारित होना चाहिए। अभी अभी देश ने देखा
किस प्रकार से दो नौजवान पूरी रिस्क लेकर पार्लियामेंट में घुस गए और उन्होंने वहाँ एक पीली गैस छोड़ी। इसी प्रकार से किसानों का आंदोलन देश ने देखा है, इसी प्रकार से मुस्लिम महिलाओं का आंदोलन, शाहीनबाग का आंदोलन लोगों ने देखा है। और ये सब चीज़ें बताती हैं कि देश में न्याय की जो है, न्याय की बहुत ज़रूरत है। तो ये यात्रा एक उचित समय पर आई है और ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है वो एक संदेश है, सामाजिक संदेश है, एक सैद्धांतिक संदेश है, विचारात्मक संदेश है। और वो संदेश है कि देश को धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की राह पर चलना जरूरी है। आज लोकतंत्र में भी बहुत कमी आई है, कितने पार्लियामेंट्री मेंबर्स को उनको निष्कासित कर दिया गया है, वो सरकार निरंकुश तरीके से अपना शासन चला रही है। इस सब के बीच में ये बहुत ज़रूरी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा करेगी। इसके पहले हमने देखा किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ये समाज के लोकतंत्र को मजबूत रखने के महत्वपूर्ण बिंदु है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसी की एक अगली कड़ी है। इसी के माध्यम से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं और राजनीति में जो मुद्दे हैं उनको समाज के सामने ला सकते हैं। ये मुद्दे वो हैं जो समाज के लोगों को जोड़ते हैं, जबकि धर्म के नाम के मुद्दे ये समाज को बांटने का काम करते हैं। आज हमें ऐसे मुद्दों की ज़रूरत है जिसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा उठा रही है और इस यात्रा के माध्यम से निश्चित रूप से देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, देश के आम लोगों की आवाज़ ये मुख्य आवाज़ बनकर आगे वाले समय में देश के भविष्य का निर्धारण करेगी। मैं इस यात्रा को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यात्रा पहली यात्रा के समान ही बहुत सफल होगी और देश में एक नया वातावरण पैदा करेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।